हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंजल वन ऐप में हमने लॉग इन कर लिया है। होम में आने के बाद में इंस्टाडेट का फीचर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर हमें टैप करना है। जैसे हम उस पर टैप करेंगे हमारे सामने निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कल के दिन तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था 19,480 से लेकर 19,520 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद में फिर अभी वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम निफ्टी जो है यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर हमें बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहीं पे सपोर्ट लेके हमें ऊपर की ओर तेजी देखने को मिल सकती है। इन केस यहाँ पे सपोर्ट जोन कल के दिन ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हमें गिरावट कंटिन्यू होते हुए भी दिखाई दे सकती है। और फिलहाल के लिए ऊपर की ओर जो है एक रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे तो 19,700 से लेकर 19,720 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गया निफ्टी का, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो इस पर हमें टैप करना है। जैसे हम उस पर टैप करेंगे हमारे सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कल के वीडियो में भी और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था 45,000 से लेके 45,100 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसी के आसपास आने के बाद में आज फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। और नीचे के साइड में सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो 44,300 से लेके 44,400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आप देखिए मल्टीपल टाइम यहीं पर सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी में हमें ऊपर की ओर जो है बाउंस देखने को मिल रहा है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी यहीं पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की ओर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अगर आप अपने चार्ट पे मार्क नहीं किए हैं तो मार्क करके रख लीजिए। इंस्टा ट्रेड फीचर का यूज़ करके आप डायरेक्टली यहीं से बाय कॉल और बाय पुट कर सकते हैं। अभी हमें मान लीजिए बाय कॉल करना है तो यहाँ पे हम बाय कॉल पे टैप करेंगे। जैसे ही हम उस पे टैप करेंगे आप यहाँ पे नीचे स्क्रोल अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे हमें टैप करना है। जैसे हम उस पे टैप कर लेंगे हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। आप अगर से कॉल को बाय करके होल्ड करना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड में करेंगे, अगर सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते हो आप इंट्रा डे में करेंगे। यहां पे लॉट साइज दिया है 25 का, यहां पे बैंक निफ्टी का है तो यहां पे जो है हम 1 एंटर करेंगे। और नीचे में आप देख सकते हो लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि आप अपने मनपसंद प्राइस पे इसको खरीद सकते हो। जैसे कि इसकी प्राइस चल रही है 110, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 105 पे तो यहां पे आप एंटर करेंगे। जब भी इसकी प्राइस यहां पे आ जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट यानी कि जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होती है उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपली हमें यहां पे बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद कंफर्म आ जाएगा, कंफर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शंस में एंट्री का प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाएं। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज़ करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।